नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। इस YouTube चैनल में मैं आपको अपनी अलग अलग आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बता रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो भगवान है वो कैसे काम कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। अब देखिए, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो होता क्या है कि एक मतलब रियल लाइफ में इस प्रकार के घटनाक्रम बनने शुरू हो जाते हैं कि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ ना किसी भी वीडियो में, तो मतलब उसी से संबंधित उससे मिलते जुलते घटनाक्रम बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब और वो एक के बाद एक घटित होते चले जाते हैं। जी हाँ, अब मतलब इस प्रकार का एक अजीब सा भय सा रहता है मेरे को अंदर से कि अगर मैं कुछ बताऊं, वीडियो बनाऊं आपको, और वो सब कुछ फिर इधर घटित होना शुरू हो जाएगा लाइफ में। ये एक ऐसा ईश्वर का चमत्कार है जो हर इंसान के साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा। लेकिन होता क्या है कि जैसे पहले भी होता था मेरे, जब मैं नहीं समझता था इन सब बातों को, पर उस वक्त क्या था, मैं अचेत मतलब होता है ना, इतना कॉन्शियस नहीं था तो ध्यान नहीं देता था। पर होता क्या है कि जब योग साधना तपस्या के द्वारा इंसान थोड़ा थोड़ा चेतन होना शुरू होता है ना, तो फिर उसको ये सब बातें समझ में आनी शुरू होती है, फिर वो बारीकी से ब्यौरा रखने लगता है अपनी लाइफ का। और इसको कॉन्शियस होना कहते हैं, कॉन्शियस होना, ठीक है, मतलब कोई भी थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है हमारे अंदर, चेतना बढ़ जाती है धीरे धीरे करके, तो उससे हम लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं कोई भी, अब जैसे मैं आज आपको एक अनुभूति बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बार मैंने देखा कि जो माता काली का, आपने कभी कोई धारावाहिक देखा, कोई फिल्म देखी जिसमें एकदम से वो उनको क्रोध आता है और वो एक मतलब बिल्कुल सांवले रंगी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं और ऐसा ऐसी आवाज़ें निकालती हैं वो कि उनके मुंह से, कि पर मतलब वो है ना, जो दूर दूर तक और राक्षसों का सबका संहार करती हैं वो, और बड़ा ही मतलब डरावना रूप होता है उनका और उसमें उनको बिल्कुल होश नहीं रहता। आपने वो कथा सुनी होगी ना, जब भगवान शिव के छाती पर पैर रख दिया था उन्होंने, मतलब उनको शांत करने के लिए भगवान को मतलब जमीन पर लेटना पड़ा था, ऐसा हुआ था ना, कथा सुनी होगी आपने। तो बिल्कुल वैसा का वैसा एक मतलब दृश्य मैंने देखा, उसमें देखा कि एक बिल्कुल काली सांवले रंग की एक महिला और वो ऐसी डरावनी आवाज़ें मुंह से निकालती हुई आगे बढ़ रही है और पूरा अंधेरा था पूरी गली में, और एक जो व्यक्ति थे वो शांत करने में लगे हुए थे, मतलब किसी तरीके से कंट्रोल करने में, शांत करने में उनको लगे हुए थे। और मैं भी था वहाँ पर, और भी सब लोग डर के मारे इधर उधर सब छुप रहे थे और मैं भी डर के मारे छुप रहा था। अब ये सारा का सारा जो दृश्य था ना, ये था माता काली और भगवान शिव का। वो जो महिला थी वो थी माता काली और वो जो उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे वो थे भगवान शिव। मतलब ये जो कथाएं ना, हमारी धार्मिक कथाएं जिनके बारे में मतलब अधिकांश लोगों को तो ये लगता है कि यार ये सब तो बिल्कुल सिर्फ कपोल कल्पना है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सब सच है। लेकिन होता क्या है कि हमारी जिंदगी ना वो विभिन्न आयामों में चलती है। हम सोचते हैं कि हमारी जो रियल जिंदगी यही सब कुछ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। क्या आप हमारे सपनों को, क्या हमारे कल्पनाओं को, क्या हमारी हमारी भावनाओं को, क्या हमारे विचारों को, इन सबको अलग करके और किसी इंसान के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हो क्या? अगर इन सबको अलग कर दिया जाए तो एक जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं रहेगा इंसान। तो वो सारे आयाम भी तो हैं हमारी जिंदगी में, उनको हम अपने अपने से अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि सब कुछ, जो कुछ कथाएं कहानियां जो कुछ भी हमको सुनाई गई, जो बताई गई, वो सब कहीं ना कहीं सत्य हैं। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।